हमारे देश में प्रधानमंत्री तो कई हुए हैं, लेकिन दुश्मन देश पाकिस्तान की आंख में आग डालकर उसे ललकारने वाले प्रधानमंत्री काफी कम रहे हैं। इसी फहरिस्त में एक बड़ा नाम है यूपी के बलिया के बेटे और देश के 8वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह का, जिन्होंने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के कंधे पर हाथ रखकर कहा था, आप बहुत बदमाशी करते हैं। नवाज ने जब उनसे कहा कि कश्मीर हमें दे दो, बदमाशी बंद हो जाएगी, तो चंद्रशेखर ने झट से जवाब दिया, ले लो, लेकिन कश्मीर के साथ 15 करोड़ मुसलमान भी साथ ले लो। बस फिर क्या था, पाकिस्तानी पीएम नवाज का मुंह बंद हो गया। इसके बाद वो कुछ नहीं बोल पाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। प्रधानमंत्री पर हमारी स्पेशल सीरीज के इस खास एपिसोड में आज हम बात करने वाले हैं देश के 8वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह की। 80 का दशक जाते जाते देश की राजनीति में सियासी भूचाल मचा हुआ था, उठापटक का दौर जारी था। वो फोर्स कांड, मंडल कमंडल की राजनीति, राम मंदिर निर्माण जैसे कई मुद्दे थे जो सरकार बना रहे थे और गिरा रहे थे। देश में चारों ओर अशांति फैली थी, लेकिन सियासतदानों को बस अपनी पड़ी थी। 80 का दशक खत्म हुआ और 90 आते ही वीपी सिंह की सरकार 11 महीने चलने के बाद गिर गई। देश के सामने फिर प्रधान संकट खड़ा था। वहीं सियासी सूरमा तिगड़म लगा रहे थे कि जोड़ तोड़ की राजनीति की जाए या फिर से चुनाव कराए जाए। एक दिन अचानक पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गांधी के करीबी आर.के. धवन चंद्रशेखर के पास पहुंचते हैं। वो कहते हैं कि राजीव गांधी आपसे मिलना चाहते हैं। चंद्रशेखर ने पहले कुछ सोचा, फिर उनके साथ चल दिए। राजीव चंद्रशेखर से मिलते ही पूछते हैं कि क्या आप सरकार बनाएंगे। इस पर चंद्रशेखर जवाब देते हैं कि सरकार बनाने के लिए मेरे पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है। राजीव ने कहा, आप सरकार बनाइए, हम आपको बाहर से समर्थन देंगे। इस तरह कभी कांग्रेस का विरोध करके चुनाव जीतने वाले चंद्रशेखर को आखिरकार कांग्रेस के समर्थन से ही सरकार बनानी पड़ी। कुछ पत्रकारों ने चंद्रशेखर के पीएम बनने के बाद राजीव से सवाल किया, आप इस सरकार को कितने दिन तक चलाएंगे। राजीव ने जवाब दिया, वीपी सिंह सरकार से 1 महीना ज्यादा। खैर, नई सरकार तो बन गई, लेकिन ये वाकई वीपी सिंह की 11 महीने की सरकार से ज्यादा चली या नहीं, इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। उससे पहले बताते हैं कि जिन परिस्थितियों में चंद्रशेखर की सरकार बनी, तब देश में हालात क्या थे। दरअसल उनके पीएम बनने से पहले जनता दल के वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने बीजेपी और वाम दलों के समर्थन से सरकार तो बना ली थी, लेकिन उसे चला पाना बेहद मुश्किल हो रहा था। वीपी सिंह ने 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करके देश में सियासी भूचाल ला दिया। मंडल कमीशन के तहत पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। उस वक्त वीपी सिंह ने एक बयान भी दिया था जो काफी चर्चाओं में रहा। उन्होंने कहा था, हमने मंडल रूपी बच्चे को माँ के पेट से बाहर निकाल दिया है, अब कोई माई का लाल इसे वापस माँ के पेट में नहीं डाल सकता, ये बच्चा अब प्रोग्रेस करेगा। वीपी सिंह के इस फैसले से नाराज होकर देश भर के सवर्ण समाज के लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। देश दो टुकड़ों में बट गया था, एक फैसले का स्वागत कर रहा था तो दूसरा विरोध। मंडल कमीशन की सिफारिश बीजेपी के भी गले से नीचे नहीं उतर रही थी। वो वीपी सिंह सरकार से अलग होना चाहती थी, लेकिन एक डर था, वो ये कि कुछ महीनों में ही सरकार गिराने से जनता में गलत संदेश जाएगा। लिहाजा वीपी सिंह की मंडल की राजनीति के खिलाफ भाजपा ने कमंडल की राजनीति शुरू कर दी। पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण अडवाणी गुजरात से अयोध्या तक रथ यात्रा लेकर निकले, तो वीपी सिंह के कहने पर बिहार के सीएम लालू यादव ने उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। इससे बीजेपी नेता भड़क गए, साथ ही अब उन्हें गठबंधन तोड़ने का बढ़िया मौका मिल गया। बीजेपी ने तुरंत वीपी सिंह से अपना समर्थन वापस लेकर उनकी सरकार गिरा दी। वीपी सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। चंद्रशेखर भी अपने 64 सांसदों के साथ जनता दल से अलग हो गए और अपनी अलग समाजवादी जनता पार्टी बना ली। जिस कांग्रेस का विरोध करके जनता दल सत्ता में आई थी, उसी के समर्थन से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बन गए। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगे कि कैसे कांग्रेस का समर्थन लेकर चंद्रशेखर सरकार बना सकते हैं। इस पर चंद्रशेखर कहते थे कि मंडल के विरोध में देश भर में लोग मर रहे हैं, इस माहौल में कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाना बिल्कुल जायज है, मैं अमन चैन वापस लाना चाहता हूं, समय की मांग को देखते हुए कांग्रेस के साथ सरकार बना रहा हूं।
यूपी के बलिया में जन्मे चंद्रशेखर के राजनीतिक सफर की शुरुआत समाजवादी आंदोलन से हुई थी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान उनकी रैली में अच्छी खासी भीड़ जुटा करती थी। उनके बेटे नीरज शेखर के मुताबिक चंद्रशेखर रोजाना 8 से 10 किलोमीटर पैदल चला करते थे और उनके चलने की स्पीड इतनी तेज होती थी कि कोई भी उनके साथ कदम मिलाकर चल नहीं पाता था। सबसे खास बात जो उन्हें बाकी सब प्रधानमंत्रियों से अलग बनाती है वो ये कि चंद्रशेखर कभी मंत्री नहीं रहे, सीधा देश के प्रधानमंत्री बने थे। मगर सरकार को बने 3 महीने भी नहीं हुए थे कि कांग्रेस ने चंद्रशेखर से समर्थन वापस ले लिया। अल्पमत में आने से चंद्रशेखर को 6 मार्च 1991 को इस्तीफा देना पड़ा। फिर अगले प्रधानमंत्री चुने जाने तक उन्होंने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर यह पद संभाला। पत्रकार राम बहादुर राय को दिए इंटरव्यू में वो कहते हैं कि जिस दिन मैं प्रधानमंत्री बना था उस दिन देश में कई जगह कर्फ्यू लगा था। मंडल आयोग की सिफारिश के खिलाफ भड़के युवा आत्मदाह कर रहे थे, सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। दूसरी तरफ मुझे सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं था। मन में ये डर था कि सरकार ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगी, फिर भी मुझे विश्वास था कि कोई न कोई रास्ता जरूर निकल आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और मुझे इस्तीफा देना पड़ा। इस तरह चंद्रशेखर की सरकार महज 3 महीने में ही गिर गई, लेकिन इन 3 महीनों में उन्होंने एक अमिट छाप देशवासियों पर छोड़ी। भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनकी बोलचाल और पहनावे में कोई बदलाव नहीं आया था। देश विदेश में भी वो अपनी खरी जुबान में बात किया करते थे। पत्रकार संतोष भारती अपनी किताब में उनसे जुड़ा एक किस्सा बताते हैं। पीएम बनते ही चंद्रशेखर कॉमनवेल्थ सम्मेलन में भाग लेने मालदीव्स की राजधानी माले पहुंचे थे। वहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात हुई। चंद्रशेखर ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आप बहुत बदमाशी करते हैं। नवाज ने तुरंत जवाब दिया, आप मेरी बदमाशी की वजह ही दूर कर दीजिए। चंद्रशेखर ने पूछा, आप वजह बताइए, अभी दूर कर देते हैं। नवाज बोले, आप हमें कश्मीर दे दें, बदमाशी दूर हो जाएगी। संतोष भारती के मुताबिक चंद्रशेखर ने कुछ देर नवाज की तरफ देखा और बोले, जाओ आपको कश्मीर दिया। नवाज शरीफ की तो जैसे लॉटरी लग गई। वो बोले, चलिए कमरे में बैठकर बात करते हैं और कागजी काम करवाते हैं। चंद्रशेखर ने उन्हें टोका और कहा, इतनी भी क्या जल्दी है, बस इतना याद रखें कि हम कश्मीर के साथ आपको अपने देश के 15 करोड़ मुसलमान भी दे देते हैं, आपको उन्हें भी अपने साथ लेना होगा। ये बात सुनकर शरीफ को झटका लगा। पूछने लगे, इसका क्या मतलब है? चंद्रशेखर ने बहुत बढ़िया सा जवाब देते हुए कहा, आप मुसलमान आबादी के आधार पर हमसे कश्मीर तो ले लेंगे, लेकिन भारत के हर शहर हर गांव में मुसलमान बसते हैं। आपके कश्मीर लेते ही देश में ये मांग उठेगी कि बाकी मुसलमानों को भी यहाँ से निकालो। दंगे भड़क सकते हैं, मेरे पास इतनी सेना या पुलिस नहीं कि इन सबको कंट्रोल कर पाऊँ। ऐसे में अगर आप 15 करोड़ भारतीय मुसलमानों को साथ लेने को तैयार हैं तो मैं अभी आपको कश्मीर देने का ऐलान करता हूँ। ये जवाब सुनकर नवाज शरीफ चुप हो गए। उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। बताया जाता है कि इस घटना के बाद से नवाज शरीफ चंद्रशेखर को भाई साहब कहने लगे थे। साल 1989 से 91 तक सियासी उठापटक और सरकारों की अदला बदली का असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा था। उसी वक्त खाड़ी युद्ध शुरू हो गया और रही सही कसर उसने पूरी कर दी। भारतीय अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर थी और खाड़ी युद्ध के चलते तेल के दाम आसमान छूने लगे थे। भारत को तेल आयात करने के लिए दोगुना पैसा खर्च करना पड़ रहा था। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खाली हो रहा था। इसके बारे में रशीद किदवई अपनी किताब भारत के प्रधानमंत्री में लिखते हैं, इराक अमेरिका का दुश्मन था इसलिए वो भी खाड़ी युद्ध में कूद पड़ा, लेकिन उसके भारत से अच्छे संबंध थे। भारत को IMF से कर्ज की जरूरत थी, लेकिन IMF में 2/3 से ज्यादा वोट अमेरिका के थे, कर्ज मिलना मुश्किल था। ऐसे में अमेरिका ने भारत के आगे एक शर्त रखी, वो ये कि अमेरिकी जहाज इराक पर हमला करेंगे तो उसकी लैंडिंग के लिए बेस और रिफ्यूलिंग की जगह भारत उसे देगा, इसके बदले में वो भारत को कर्ज दिलाएगा। अब मरता क्या न करता वाले हालात में उस वक्त प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने अमेरिका की शर्त मान ली। हालांकि उस रकम से हमें बहुत बड़ी राहत नहीं मिलने वाली थी, फिर भी चंद्रशेखर ने तब अपने वित्त सलाहकार मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा और RBI गवर्नर S. वेंकटरमन से बात करके देश का सोना गिरवी रखवा दिया। तब तक 1991 की फरवरी आ गई और कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया। चंद्रशेखर जून तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे
और इसी दौरान सोना गिरवी रखने की डील फाइनल हुई। जुलाई में आरबीआई ने 46.91 टन सोना गिरवी रखा और $400 मिलियन जुटाए। तब तक देश में नरसिम्हा राव की सरकार आ चुकी थी, लेकिन बड़ी बात ये रही कि उसी साल देश की अर्थव्यवस्था सुधरने लगी और गिरवी रखा सोना वापस खरीद लिया गया। इसी तरह उनके पीएम रहते हुए एक और किस्सा बड़ा मशहूर है। चंद्रशेखर को बेहद निडर और बेखौफ नेता माना जाता था। एक बार पंजाब के अलगाववादी नेता सिमरनजीत सिंह मान लंबी तलवार के साथ उनसे मिलने पीएम हाउस पहुंचे। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोकते हुए कहा कि आप तलवार के साथ प्रधानमंत्री से नहीं मिल सकते। सिमरनजीत सिंह मान भी अड़े रहे और उन्होंने अपनी तलवार देने से मना कर दिया। चंद्रशेखर तक ये बात पहुंची तो उन्होंने मान को तलवार के साथ आने की इजाजत दे दी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनके निजी सुरक्षा अधिकारी ने सावधानी के तौर पर दरवाजा आधा खुला छोड़ दिया था। वो बाहर से ही मान पर नजर रखे हुए थे। प्रधानमंत्री से बातचीत के बीच मान ने आधी तलवार खींची और बोले, ये पुरखों से मेरे पास है और बहुत घातक है। इस पर चंद्रशेखर ने कहा, इसे म्यान में रखिए मान साहब, मेरे पुरखों का घर बलिया में है और इससे बड़ी तलवार वहां मौजूद है जो इससे ज्यादा घातक और संहारक है। ये बात सुनकर मान के तेवर नर्म पड़ गए। तो कुछ इस तरह के थे देश के 8वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह। अगली मुलाकात देश के 9वें प्रधानमंत्री के साथ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।